अच्छा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा। बट आप अभी ट्रक वगैरह के सोचना मत, पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? रुकना तो पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि इतने सारे बच्चे हाथ दे रहे हैं। गर्मी बढ़ गई, इसलिए ये जो हम कश्मीर में लगा देते हैं थर्माकट वगैरह, ये सब आप बाहर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए आप सबका। भाई सिटी एक्सप्रेस, तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो करते हैं हम अपना प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। तो आपको पता ही होगा बनारस यूपी का सफ़र कंटिन्यू जा रहा है। कल रात को हमने ये नया सफ़र स्टार्ट किया था बड़े दिनों के बाद। तो रात के 12 बजे मैं पहुँचा था धार रोड में। तो यहाँ पर मैंने अपना शहनशाह खड़ा किया था, ये नज़र आ रहा है, उस साइड से अपना शहनशाह लगाया। तो मैंने सोचा रात को यहीं पर सोते हैं, क्योंकि आपको सरप्राइज देना है कि आगे हमारा और एक गाड़ी वेट कर रहा है। तो सरप्राइज क्या, चलो आपको अब बता ही देते हैं। जो के एम आर इश्फाक भाई की गाड़ी है वो भी आ रही थी, उसका भी लोड बनारस के लिए हमने मतलब करवाया। तो उस गाड़ी को रियाज भाई लेके आ रहा है। जो इश्फाक भाई है वो खुद घर में है, क्योंकि उसको घर में कुछ प्रॉब्लम है, शायद मम्मी बीमार है, उस रीज़न की वजह से वो खुद नहीं आ पाया। तो हमने उसके साथ रियाज भाई को भेजा, तो वो रात को चला गया। उसको गाड़ी यहाँ पे नज़र ही नहीं आई, तो उसने अभी फ़ोन किया, बोला मैं नड़ में आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आ जाओ। अभी हम चल रहे हैं कंटिन्यू, बस थोड़ी देर में रियाज भाई के पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि रियाज भाई हमारा नाड़ में वेट कर रहा है। अब हम भी चल रहे हैं, अब बस थोड़ा ही रह गया यहाँ से, ठीक है? रुकना तो पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि इतने सारे बच्चे हाथ दे रहे हैं। पहले गाड़ी अच्छे से साइड करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि ये तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी बोलो, फैन है, सारे फैन है। स्कूल कहाँ है आपका? नड़ में। चलो जी, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं नड़ में, ठीक है? लोगों ने दूर से मेरी गाड़ी देखी, तो मैंने सोचा रुकना तो पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ। आप मेरा वीडियो देखते हो? सारे देखते हो? अच्छा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा। बट आप अभी ट्रक वगैरह के सोचना मत, पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? फिलहाल पढ़ाई करना, ट्रक वगैरह इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, पढ़ाई पे फोकस करना, ओके? फिलहाल इनके साथ थोड़ा फोटो वगैरह उठाते हैं, वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि रियाज भाई आगे हमारा नड़ में वेट कर रहे हैं। बच्चों की गाड़ी आ गई, ये आप देख सकते हो, ये रही इनकी स्कूल की गाड़ी, ये नड़ में पड़ रहे हैं। ओके बाय बाय। यहीं पे रियाज भाई हमारा वेट कर रहा होगा, हम नड़ पहुंच गए, बट अभी तो नजर ही नहीं आ रहा है कहाँ पे है, कहाँ पे वो तो आगे रुका होगा कहीं, नड़ तो यहीं से स्टार्ट होता है, इस जगह पे नहीं है, आगे होगा। फाइनली फाइनली रियाज भाई मिल गया, और के एम आर इश्फाक की गाड़ी मिल गई, ये रही गाड़ी भाई, इश्फाक भाई की गाड़ी भी आ गई, आप देख सकते हो, ये रही इश्फाक भाई की गाड़ी, इसका भी जो माल है लोड है, ये बनारस का है, और
अपनी गाड़ी हमने वहाँ पे खड़ी कर दी और उसी के साथ साथ हमें दादा भाई भी मिल गया। इसकी गाड़ी अभी यहाँ पे वॉश हो रही है और ये बंदा आज हमारे साथ ही है, रियाज भाई ने इसको साथ लाया और ये दादा विलाग इसकी गाड़ी अभी यहाँ पे वॉशिंग हो रही है। बेंगलोर के लिए इसने माल कन्फर्म किया था बट इसका जो फाइल है वो भूल गया उधमपुर में, तो अब उसी लिए यहाँ पे ये रुका है। बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं, मैंने सोचा अब यहाँ पे थोड़ा चाय पिएगी, चाय पी के निकलते अच्छे से चलते अब, क्योंकि अब तो हम दोनों आ गए, अब कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अरे हो बेंगलोर कोई प्लान नहीं, तो आप नहीं। आपने रील डाली थी बेंगलोर के लिए, तो मैंने मन में आ गया कि बेंगलोर ही जाएंगे, लेकिन देखते अभी माल वाल का पता करते कहाँ से मिलेगा, जहाँ का भी मिलेगा तो भरेंगे, बाहर लोकल चलने में कोई फायदा ही नहीं, इधर 5-5 हज़ार जमा करके ना जेबी गर्म नहीं होता था। बाहर जाएंगे एक साथ 50 हज़ार बचेंगे तो भाई कुछ लगता है, कुछ आएगा, किस्त वगैरह निकलेगा, $10,000 मिलके क्या करेंगे बाहर। बस चलते हैं, टाइम बहुत हो गया। बाय बाय दादा भाई, इसका फाइल अभी भूल गया। हाँ अपने बाइक के सेफ भरे, नहीं तो यार थोड़ा रुक रुक के चलते, लेकिन नॉन स्टॉप चल रहे हैं बाहर। ठीक है, ओके ओके, हाँ चलता हूँ। गर्मी बढ़ गई इसलिए ये जो हम कश्मीर में लगा देते हैं थर्माकट वगैरह, ये सब आप बाहर निकालना पड़ेगा और प्लेन टी शर्ट लगानी पड़ेगी। अभी यार मैंने ये निकाली, यही लगा दिए, क्योंकि इसमें ना अब गर्मी लग रही है, क्योंकि इधर में धूप बहुत है और हमारे कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सर्दी के मौसम में ये हम लगा के रखते हैं। ठीक हो भाई, बढ़िया, चलो थैंक यू। पहले अपनी गाड़ी की टंकी फुल होगी वापस, क्योंकि आपको पता ही होगा घर में हमने फुल की थी, अब यहाँ पे हम फुल करते हैं। ठीक है, और वो इश्फाक भाई की गाड़ी भी वहाँ पे आ गई, वो भी लग गई, तो चलो देखते हैं कितने का फुल होगा और किसकी गाड़ी में ज्यादा जाएगा, ट्राई करते पर बटन बट पता नहीं इश्फाक भाई को घर में फुल होता है कि नहीं, शायद फुल किया उसने। हाँ, हाँ, फुल किया फुल। हाँ। और खाना भी यहीं पे खाया कि भूख लग गई यार मुझे। आज बढ़िया, आज पंप वालों को कोई तगड़ा गिफ्ट देना है, दो गाड़ी लेके आया भाई, अभी इसका जो बंदा है रियाज भाई का साथ लेके आया ना, टायर वगैरह चेक कर रहा है, बट भाई के टायर जो है ना खत्म होने वाले है, आगे वाले ठीक है बट जो पीछे है ना पूरे खत्म है। अब सोच रहे यहाँ से जब घर जाएंगे तो ये चार नए लगाएंगे, इधर रबड़ी चार लगाएंगे। ठीक है, तो एक ही जगह का दोनों गाड़ी को आज माल है, बट वो नहीं आ पाया, क्या करे। और बाकी आप देख सकते हो अपना शहनशाह वहाँ पे लगा है, और ये रही बाइक की गाड़ी, अभी इसका भी टंकी फुल हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। कितने का हुआ भाई? अभी हमारी गाड़ी में टंकी फुल हो गया, आप मान के चलो 8,000 का, 7,890 रुपया। बट अभी इश्फाक भाई का पता नहीं, दोनों ताला अच्छे से मारना। अभी भाई की गाड़ी का भी टैंकी फुल हो गया, 6500 में टोटल फुल हो गया, मेरी गाड़ी में 1500 का ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं श्रीनगर गया लोड करने के लिए, इसलिए मतलब शोपियन से श्रीनगर, फिर वहाँ से इसने यारीपोरा में फुल किया, यहाँ पे हो गया 6500 का।
अभी हमने अपनी दोनों गाड़ियां यहाँ पे साइड कर दी, अब पहले यहाँ पे खाना खाएंगे उसके बाद निकलते। खाना खा के हम निकल गए, अभी हम चल रहे हैं और जो इस्पाक भाई की गाड़ी है वो भी आगे आगे चल रही है, आप देख सकते हो अभी डमटाल पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो इस्पाक भाई की गाड़ी आगे आगे जा रही है। अब हम सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे जो कश्मीरी होटल है वहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं, नमकीन, और शाम के लिए सब्जी वगैरह भी वहीं से लेके आते, फिर रखते अपना सफर कंटिन्यू। भाई सब्जी बना रहा है शाम के लिए, क्योंकि मैंने सोचा जल्दी में काम क्लियर करके रखेगा, फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ना फिर, इसीलिए बट मुझे तो नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगा, ऑलरेडी गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, पर बाकी तो खाएंगे ना, मेरी वजह से बात प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा अब आगे कोई सब्जी वाला दे चलो। अभी आप बाहर का सीन भी देख सकते हो, नज़ारा देखो बाहर का, अब मुझे लग रहा है ऊपर से कुछ स्वेटर वगैरह भी लगाना पड़ेगा, बट दवाई कंटिन्यू खाना पड़ता है, ये देख रहे हो क्या कर रहे यार।